साइकिल पर लटके हुए इमरान मसूद आखिरकार हाथी पर सवार हो ही गए। ये लोहियावाद से कांसीराम का अनुयायी बने जाने की तस्वीर है। ये समाजवाद से बहुजन समाज के विचारों में प्रवाहित होने का नजारा है। ये सियासत का वो नजारा है जो बताता है कि यहाँ हर चीज संभव है। पश्चिमी यूपी में मुस्लिम वोटर पर पकड़ का दावा करने वाले इमरान मसूद ने सपा में शामिल होने के लिए सब कुछ छोड़ दिया था। पहले कांग्रेस में मिला हुआ बड़ा ओहदा छोड़ा, फिर विधानसभा चुनाव में टिकट की उम्मीद छोड़ी और आखिर में वो सम्मान और अरमान भी छोड़ दिया। जब कुछ पास नहीं बचा तो मसूद मायावती के दर पर पहुंच गए। इमरान मसूद भी उन नेताओं की लिस्ट में थे जिन्हें लगता था कि 2022 में यूपी में सपा की सरकार आ जाएगी, लेकिन ये भ्रम टूटा तो रास्ते बदल दिए। सियासत के अखाड़े में कमजोर पड़े इमरान मसूद खुद चलकर बसपा दफ्तर पहुंचे, मायावती के साथ मुस्कुराती तस्वीर खिंचवाई। बाहर निकले तो जुबान पर मायावती का गुणगान था और सपा पर चुभने वाला प्रहार था। देखिए, समाजवादी पार्टी के अंदर जो मेरे साथ हुआ वो आप सबको पता है, उसको मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है। व्यक्तिगत इशू छोटे हो जाते हैं जब सामाजिक इशू बड़े होते हैं। बड़ा विषय ये है कि समाज के अंदर इतना वोट देने के बावजूद भी, इतनी भारी तादाद में वोट डालने के बाद भी, हम लोग उस आंकड़े को नहीं छू पाए जिस आंकड़े की हम लोगों ने उम्मीद की थी। तो मेरा व्यक्तिगत इशू बहुत छोटा है, बड़ा इशू ये है कि हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर जब बदलाव के लिए चले थे और वोट इतना दिया तो फिर क्या कारण है कि हम लोग उस नंबर को टच भी नहीं कर पाए। खबर मिल रही है कि परिवार के किसी सदस्य को इमरान मसूद मेयर का चुनाव भी लड़वा सकते हैं, लेकिन काजी घराने के चिराग इमरान मसूद का सियासी करियर पिछले कुछ समय से बुझता हुआ नजर आया है। कांग्रेस ने इमरान को राष्ट्रीय सचिव बनाया था। इमरान मसूद दिल्ली में कांग्रेस के प्रभारी भी थे, लेकिन सब कुछ दांव पर लगाकर सपा में चले गए। लेकिन सपा ने ना तो उन्हें टिकट दिया और ना ही उनकी सिफारिश वाले नेताओं को। बाद में सपा ने विधान परिषद की उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया। इमरान मसूद की पहचान पश्चिमी यूपी में बड़े मुस्लिम नेता के तौर पर है, लेकिन इतिहास बताता है कि वो 2007 के बाद से 3 चुनाव लड़े हैं और तीनों में हार मिल चुकी है। ऐसा लग रहा था कि इमरान लौटकर अपनी पुरानी पार्टी में गए हैं तो लंबा टिकेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। शुरुआती दौर में इमरान मसूद सपा में ही थे। 2007 में पहली बार निर्दलीय लड़कर विधायक बने, उसके बाद 2012 में कांग्रेस का हाथ थामा। कांग्रेस ने उन्हें कई बड़े पदों पर बैठाया, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले सपा में चले गए। कुछ दिनों में निकाय चुनाव है और उसके बाद लोकसभा चुनाव, ऐसे में इमरान मसूद का सपा छोड़कर जाना अखिलेश को परेशान कर सकता है। बाकी अब देखने वाली बात होगी कि नेताओं का ये पार्टी बदलने का सिलसिला कहां तक जाता है।